अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत 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 टाइम के बाद मुझे अपनी स्किन का थोड़ा सा ख्याल हुआ और मैंने अपने फेवरेट कंपनी से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए। बेसिकली मैंने इनके प्रोडक्ट्स कभी पहले यूज़ नहीं किए थे। आई जस्ट हैड यूज़ अ फेस वॉश जो कि इनका रोज़ फेस वॉश था, इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं इनके कुछ और प्रोडक्ट्स भी ट्राई ज़रूर करूँ। तो आज मैंने कुछ अलग प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, दो तीन जो कि इनकी न्यू कलेक्शन भी थी वो भी मंगवाई है, कुछ फेस सीरम्स हैं और थंबनेल लेके आप समझ ही गए होंगे कि वो कौन सी कंपनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली ऑर्गेनिक कंपनी को नेचुरल्स, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आप लोगों को देखने को मिलती ही होगी, आपको एड्स में या कहीं पर भी देखने को मिल जाती होगी ईजिली। मैंने ये ऑर्डर किया था ऑनलाइन। ऑब्वियसली आई एम सो सॉरी, मैं जितनी भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिखाऊँगी उनका जो बॉक्स था बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंटेबली भेजा था with some flowers petals or with a good note, and basically मेरी मदर ने वो बॉक्स जो है वो फेंक दिया। सो इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, बात करते हैं कि वो क्रूल्टी फ्री होते हैं, यानी कि बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों से बनते हैं। देयर इज़ नथिंग इन इट दैट इज़ एन ऑर्गेनिक। और इसके अंदर जो है वो आपको सैफ्रन क्रीम मैंने मंगवाई थी जो कि इनकी कॉम्प्लेक्शन बिल्डर क्रीम है, एंड इट इज़ वेरी 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 इफेक्टिव। अगर मैं बात करूँ इसके रिज़ल्ट की तो बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव है। वन ऑफ माई कज़न्स यूज दिस और उनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोई और बाउंसी, और ऑब्वियसली उनकी स्किन ब्राइटन भी हो गई थी और फर्मनेस भी आ गई थी उनकी स्किन पे। और ये एक फैमिली प्रोडक्ट क्योंकि हो गया था तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं इसके रिव्यू। आई हैव बिन यूजिंग दिस फॉर अबाउट 2-3 days now, and this is a part of my daily routine now. I can't live without it, I think, because it's amazing. Kabhi sardiyan hai and it helps as a good moisturizer as well. एंड बेसिकली इसके प्राइस जो है इट वॉज़ अ लिटल बिट एक्सपेंसिव, इसकी अमाउंट जो है वो बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू द प्राइस। मुझे ये चीज़ बस थोड़ा सा जो है वो अफसोस हो रहा था कि मतलब दिस सो मच स्मॉल अमाउंट, बट इट वुड लास्ट अबाउट 1-2 months क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करती और ये बहुत ही कम अमाउंट जो है पूरे फेस के लिए बहुत होती है, लाइक जस्ट अ ड्रॉप दैट इज़ मोर देन इनफ। यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स, बेनिफिट्स और यूसेज वगैरह आपको सब कुछ बॉक्स पे मिल जाएगा, और इसके अलावा MFG डेट, एक्सपायरी डेट, एवरीथिंग इज़ मेंशनड ऑन द बॉक्स। इफ़ यू वांट टू नो, मैं यहाँ पे लिंक भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप डायरेक्ट जाके लिंक पे क्लिक करें और ऑर्डर कर सकते हैं। सेकेंडली मैं जब ये क्रीम ऑर्डर करी थी जेल, सो आई गॉट एन आई ऑन दिस सीरम जो कि इनका न्यू सुपर एक्टिव्स के नाम से एक सीरम की कलेक्शन है। सो आई थॉट व्हाई नॉट शुड वी ट्राई दिस। सो ये मैंने बेसिकली मंगवाया था एंटी पिगमेंटेशन एंड स्किन सीरम जो कि पिगमेंटेशन के लिए है। बेसिकली मेरी स्किन पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई पिगमेंटेशन नहीं है, बट रिसेंटली मेरी राइट चीक की तरफ जो है एक ब्लैक स्पॉट्स होना शुरू हो गया था। सो आई वॉज़ रियली वरीड। प्राइसेस की बात करें तो इट वॉज अराउंड 950-940 rupees, या एंड डिफरेंट प्राइजेस थे। आई गेस 940 वॉज द हाइस्ट प्राइज इन दिस सीरम। और मैं आप लोग को इसकी पैकेजिंग भी दिखा देती हूँ। बाहर से इट वॉज अ कार्डबोर्ड बॉक्स बट इट वॉज वेरी सिक्योरली पैक्ड, और इसकी बॉटल बहुत प्रिटी थी, आई रियली लव्ड इट। इट वॉज ग्लास बॉटल बेसिकली, और सीरम के अंदर जो है वो ड्रॉपर था ऑब्वियसली, एंड इट वॉज़ अ लाइट वाइटिश कलर टाइप सीरम, और इसकी जो टेक्सचर था दैट वॉज वेरी गुई, और इसे लगाने के बाद ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, नरिश हो जाता है स्किन में। अब तक मैं आपको बता दूँ मुझे इतने ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं वो देखने को नहीं मिले हैं पिगमेंटेशन के हवाले से, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी स्किन पे कोई बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं थी, बस एक छोटा सा स्पॉट था। और अभी मुझे यूज़ करते हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, बट आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे उन स्पॉट्स को ख़त्म करने में हेल्प कर रहा है तो आई विल शेयर गाइस विद यू। नेक्स्ट ऑन आई हैव ordered another serum that was hyaluronic acid 2% vitamin B5. ओके, सो बेसिकली हाइलोरोनिक एसिड जो आपकी स्किन ब्राइटनेस के लिए होता है, स्किन को ब्राइटन करता है बेसिकली। अभी रिसेंटली बल्कि मैं आई हूँ उम्रा करके अल्हम्दुलिल्लाह, सो माय स्किन इज़ अ लिटिल बिट डार्क राइट नाउ। स्किन जो है वो थोड़ी सी यू नो अनटेक्सचर्ड हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए आई थॉट इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट टू यूज़ एंड आई शुड गिव इट अ ट्राई। वही सेम टू सेम इसकी पैकेजिंग थी, कार्डबोर्ड बॉक्स में और ड्रॉपर था, बट इसका जो टेक्सचर था वो बहुत डिफरेंट था। इट वॉज़ वेरी थिक एंड ग्यूई,
और ये जो है थोड़ा स्लाइमी टाइप था एंड इट वाज वेरी स्लिपरी. जब आप इसे फेस पे लगाते हो तो एट फर्स्ट ये थोड़ा सा बाउंसी बाउंसी सा रहता है, बट आफ्टर 2-3 मिनट्स ये ऑक्सीडाइज होकर नॉर्मल बैक आपकी स्किन को कर देता है. प्राइस की बात करें तो इट वाज 899. इट वाज चीपर दैन द प्रीवियस वन बट नॉट दैट मच. इट वाज अराउंड 100 रुपीज़ डिफरेंस. So I think that that was expensive because of it was an anti-pigmentation. Okay, so ओवरऑल रिव्यू की अगर बात करें तो इससे मुझे थोड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. मेरी स्किन काफ़ी हद तक जो है साफ़ लगना शुरू हुई है, क्योंकि मेरी मदर फ़ौरन से नोटिस कर लेती हैं. आई वुड रिकमेंड यू गाइज दीज ऑल थिंग्स, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स बहुत बेटर और बेस्ट होते हैं. So guys, this was all about today. Don't forget to give me a subscribe and don't forget to like and leave your freshest comments. Bye.